हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। बहुत सारा टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हर एक क्लास में एक नया टॉपिक लेके मैं आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स कुछ रिक्वेस्ट किए कि सर रोप एंड पुली या जो कंस्ट्रेंड मोशन होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, उसको थोड़ा सा रिवाइव कीजिए। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 से, दैट इज रोप पुली प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज रोप पुली प्रॉब्लम या कंस्ट्रेंड मोशन का एक कैटेगरी। कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है बच्चों? जिसमें कुछ लिमिटेशन हो, कुछ मतलब एक नया वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है मोशन के अंदर, कुछ लिमिटेशन हो, मतलब अगर सिर्फ एक बॉडी दूसरे बॉडी के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, एक बॉडी दूसरे बॉडी के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, कनेक्टेड हो बहुत सारा बॉडीज से, तो उस तरह का मोशन को हम कंस्ट्रेंड मोशन कहते हैं। तो उसमें से कंस्ट्रेंड मोशन का एक कैटेगरी होता है, दैट इज रोप एंड पुली सिस्टम। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, दैट इज कंस्ट्रेंड मोशन, कंस्ट्रेंड मोशन का एक कैटेगरी, इट इज रोप एंड पुली, रोप एंड पुली सिस्टम, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम सब क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका जो बेसिक है, जो बेसिक प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पहले से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका तो ये स्टेटमेंट हो गया मोटा मोटी, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अगर मास कॉन्स्टेंट हो तो हम जानते हैं कि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मोटा मोटी बोलता है। क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ? कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो इस नियम को हम आधार मान के, इसको लेके हम पहले हम जो रोप पुली सिस्टम है, या इसको सिंपल सा जो रोप पुली सिस्टम, उसको एटवुड मशीन भी कहते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो न्यूटन सेकेंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, और क्या क्या यहां पे आएगा? टेंशन आएगा। व्हाट इज टेंशन बच्चों? स्टूडेंट्स क्या है टेंशन? क्या है? कोई भी रोप है या स्ट्रिंग है या चेन है, आपका ऐसे चेन है, कोई भी है, ऐसे स्ट्रिंग है, वहां पे अगर कोई बॉडी को हम लटका देते हैं या ऐसे, या ये कनेक्टेड बिटवीन टू बॉडीज है, तो इसके अंदर क्या जो खिंचाव आता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन इज नथिंग बट ए फोर्स इनसाइड द स्ट्रिंग या इनसाइड द रोप, दैट इज टेंशन। इसका डायरेक्शन किधर होता है? इसका डायरेक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट, मतलब ये बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट से टेंशन दूर की तरफ लगता है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लगता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, टेंशन हमेशा कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लगता है। उसके बाद अगर मान लो कि दो बॉडी है, दो बॉडी अगर समान सेम स्ट्रिंग से बने हुए हैं, अगर दो बॉडी सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट ये, कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ टेंशन, कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ टेंशन, और टेंशन का वैल्यू समान होता है। अगर
सेम रूप से अगर दो बॉडी बंधे हुए हैं तो क्या होता है, दैट इज टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द रोप सेम होता है। अगर कोई भी मान लो कि ऐसा एक पुली भी है, एक पुली है जो कुएं से क्या पुली लगा के जैसे पानी निकालते हैं, आप गांव में देखे होंगे या मूवी में या कोई भी सिनेमा में देखे होंगे कि पुली होता है उसमें ऐसे रस्सी डालते हैं और पानी निकालते हैं। तो कोई भी मान लो एक पुली है, ऐसा है, और यहां पे ऐसे रोक गया है और यहां पे बॉडी लगा हुआ है, यहां पे भी मान लो बॉडी लगा हुआ है। तो देखो इन दोनों बॉडी को सेम रोप कनेक्ट कर रहा है, मतलब कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ टेंशन। और देखो समान रूप है, सेम रूप दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए टेंशन का वैल्यू हर जगह पे, मतलब जहां पे भी हम देखेंगे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। अगर सेम रूप अगर जितना भी क्या सेम रूप अगर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है तो वो रूप में टेंशन का वैल्यू समान होगा, ये हम जानते हैं। एक उसके बाद दूसरा, अगर जो पुली है, ये पुली है, जनरल केस में हम पुली को मानते हैं क्या, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मतलब जनरल केस में हम मान लेते हैं कि ये पुली मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। आज मैं बेसिक का बात कर रहे हैं, बेसिक जो रोप पुली सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक नया क्लास या एक कुछ नेक्स्ट क्लास में हम जब फ्रिक्शन होगा, पुली का मास होगा और बहुत सारा बॉडीज लगा होगा, लिफ्ट में रखा जाएगा तो क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन में रखा जाएगा तो क्या होगा, पुली अगर मान लो कि और भी किसी सिस्टम से एक इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी और एक पुली ऐसे नीचे लगाएंगे तो क्या होगा, वो डिफरेंट कंडीशन के बारे में कोई नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। लेकिन आज मैं बेसिक चीज की बात कर रहा हूं रोप पुली सिस्टम का। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने देख लिया, टेंशन क्या, क्या रोप या स्ट्रिंग होता है वहां पे टेंशन लगता है हमने देख लिया, कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लगता है टेंशन ये देख लिया। उसके बाद अगर सेम रोप कनेक्टेड है बॉडीज के बीच में तो टेंशन का वैल्यू समान होता है ये देख लिया। और जनरल केस में, जो कि जनरल केस है, उसमें हम पुली को मान लेते हैं मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये क्या है, हम मान लेते हैं कि ये बॉडी जो ब्लॉक है उनके मास के तुलना में जो पुली का मास है वो नेग्लिजिबल है, जो बॉडी उससे लगा हुआ है उसके तुलना में जो पुली का मास है वो नेग्लिजिबल है, कम है, तो इसीलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो मासलेस है। उसके बाद फ्रिक्शनलेस, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है पुली, किसी के साथ तो लगा ही होगा सपोर्ट में, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है या रोप भी जो घिस के जा रहा है वो जो फ्रिक्शन का वैल्यू, उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। और क्या मान सकते हैं स्टूडेंट्स, और क्या मान सकते हैं, ये जो रोप है ये तो पुली को हम मान लेंगे मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जो आपका रोप है वो हम मान लेंगे कि रोप आपका इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस है। रोप को भी हम मान लेंगे कि मासलेस है, रोप को भी मान लेंगे मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या, ये फैल नहीं रहा है। अगर कोई भी बॉडी इससे लटकाया गया है तो ये क्या, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, जैसा उसका शेप था इतना था तो इतना ही रहेगा, अगर टेंशन लगने के बाद वो फैल नहीं रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो हम ये कंडीशंस मानेंगे, ये कंडीशंस क्या क्या कंडीशन मानेंगे, जो कंडीशन हम मानेंगे दैट इज जो पुली है वो मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, जनरल कंडीशन। और हम मान लेंगे कि रोप जो है वो भी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो हम अभी ये कॉन्सेप्ट को हम मान के, जनरल केस में अगर दो बॉडी एक पुली में लगाया गया है तब क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि अगर दो बॉडी पुली में लगा हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है बच्चों,
जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है प्रीवियस टॉपिक उसका कमेंट दो आप कि कैसे लग रहा है आपको, कोई भी डाउट आया तो बोलो, उसको लिखो, ठीक है। अच्छा, ओके, मान लो एक पुली है, ये रहा आपका पुली है और ये एक सपोर्ट के साथ ऐसे लगाया गया है, ये सपोर्ट के साथ लगाया गया है, छत के ऊपर लगाया गया है, ओके। यहां पे रो पास हुआ, रो गया, यहां पे एक बॉडी लगाया गया है, मान लो उसका मास है m1 और यहां पे एक बॉडी लगाया गया है इसका मास है मान लो m2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो ऑब्वियसली देख के आपको पता चल रहा होगा कि m2 जो मास है वो ग्रेटर देन है m1 से, m2 इज ग्रेटर देन m1, ओके। चलो सही है। अभी ये रहा कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, ये रहा कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहां से दूर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लग रहा होगा टेंशन, कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की तरफ लग रहा होगा टेंशन अलोंग द रोप, ओके। नेक्स्ट, सेम रोप से कनेक्टेड, देखो ये M1 भी और M2 भी सेम रोप से कनेक्टेड है, इसीलिए टेंशन का वैल्यू समान होगा। नेक्स्ट चीज, यहां पे अगर हम बॉडी को फ्री कर देंगे सिस्टम से, सिस्टम किसको बोलेंगे, M1 है, M2 है, रोप है, पुली है, सपोर्ट है, तो ऑल द कंपोनेंट्स मिक्स ए सिस्टम, बहुत सारा कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम बॉडी को सिस्टम से फ्री करके उसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे, अगर क्या एक बॉडी को सिस्टम से फ्री करके उसके ऊपर जो जो फोर्स दिखाएंगे उसको बोला जाता है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कैसे बनाते हैं, तो मान लो कि M1 को हम बाहर निकाल देंगे, तो M1 को हमने बाहर निकाल दिया, चलो M1 को बाहर निकाल दिया, M1 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है एक्सटर्नली, तो M1 है, मास है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको अर्थ नीचे खींच रहा होगा, तो नीचे लग रहा होगा m1g। ऊपर की लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, ओके। उसके बाद M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2 को हमने सिस्टम से बाहर ले आए और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, नीचे की तरफ लग रहा है M2g, नीचे की तरफ लग रहा है M2g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। अभी बोलो अगर इसको ऐसे यहां पे मान लो टेबल के ऊपर रखा गया, टेबल हटा दिया, टेबल के ऊपर रखा दिया, टेबल खिसका दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है M2 नीचे की तरफ जाएगा और M1 ऊपर की तरफ जाएगा। सेम रोप से कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल रोप है, अगर M2 नीचे आएगा तो M1 ऊपर जाएगा, तो M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा, सही है। अगर M2 x डिस्टेंस आया, M2 नीचे अगर x आया, तो ऑब्वियस सी बात है M1 ऊपर जाएगा x, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल रोप है, रोप स्ट्रेच नहीं कर रहा है, मतलब M2 नीचे अगर x आया तो M1 x ऊपर जाएगा, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर M2 का वेलोसिटी x बाय t जितना होगा, M1 का भी वेलोसिटी उतना होगा, इसका एक्सेलरेशन जितना होगा, इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि M2 जितना नीचे आएगा ऑब्वियस सी बात है M1 उतना ऊपर जाएगा, मतलब इसका वेलोसिटी जो होगा इसका भी वेलोसिटी उतना ही होगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड, और इसका एक्सेलरेशन जितना होगा मैग्नीट्यूड, M1 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, मतलब अगर ये A एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है तो ये भी A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा, मतलब M1 A एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है तो M2 A एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, सही है। न्यूटन का दूसरा नियम मैंने बताया, क्या बताया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर
मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ बताओ, देखो इधर M1 के ऊपर M1 जी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दिमाग लगाओ, बोलो टेंशन बड़ा है कि M1 जी बड़ा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेंशन M1 जी से ज्यादा होगा, इसीलिए बॉडी ऊपर जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, ऑब्वियसली टी माइनस एम वन जी आ गया तुम्हारा नेट फोर्स, बराबर बराबर क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम वन इनटू ए, दैट इज इक्वेशन वन। बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज बड़ा वाला फोर्स टेंशन माइनस एम वन जी बराबर एम वन ए। यहां पे बॉडी नीचे लग रहा है एम टू जी, ऊपर लग रहा है टेंशन, बॉडी नीचे आ रहा है, तो कौन सा बड़ा वाला फोर्स, एम टू जी बड़ा वाला फोर्स, ये छोटा वाला फोर्स, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए इक्वेशन टू। बड़ा वाला फोर्स हो गया एम टू जी, छोटा वाला फोर्स हो गया टेंशन, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम टू जी माइनस टी बराबर एम टू ए, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हमको ढूंढना, क्या है, क्या पूछेगा आपको, M1 दे दिया, M2 दे दिया, और आपको पूछा एक्सेलरेशन कितना, टेंशन कितना, हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन कितना, टेंशन कितना हमको निकालना है। ओके चलो, तो अब क्या करेंगे तो हमको निकलेगा, चलो हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर देते हैं तो क्या आएगा, चलो इसका लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को प्लस करो, लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को प्लस करो, तो टी माइनस एम वन जी, टी माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस टी, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू, राइट साइड को प्लस करो, एम वन ए प्लस एम टू ए, दैट इज एम वन ए प्लस एम टू ए, दैट इज देखो प्लस टी माइनस टी कट गया, ओके प्लस टी माइनस टी कट गया, तो क्या बचा, दैट इज एम टू जी माइनस एम वन जी, जी अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, एम टू माइनस एम वन इंटू जी बराबर एम वन प्लस एम टू होल इंटू ए आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ए बराबर एम टू माइनस एम वन बाय एम वन प्लस एम टू, ए इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इधर आ जाएगा, तो एम टू माइनस एम वन बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी, सो ए बराबर आ गया कितना, एम टू माइनस एम वन बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी, ये आ गया। मतलब अगर M2 बड़ा है और M1 छोटा है तो एक्सेलरेशन बराबर M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। अगर ये M1 होता ये M2 होता, मतलब M1 अगर M2 से बड़ा होता, अगर ये M1 होता ये M2 होता, अगर M1 M2 से बड़ा होता तो फॉर्मूला क्या होता, M1 माइनस M2 by M1 plus M2 into G, सही है। For example, मान लो इसमें example ले लेते हैं कि ये आ गया मान लो तुम्हारा 2 kg का, 2 kg, और ये हो गया तुम्हारा मान लो 3 kg का, एक बॉडी है 2 kg का, एक बॉडी है 3 kg का, आपको पूछा है एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M2 माइनस M1, मतलब बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास, बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास बाय दोनों मास का समेशन, दैट इज 3 प्लस 2 इनटू g, g को हम मान लेते हैं 10, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम करते समय अगर मेंशनड नहीं हो, प्रॉब्लम में अगर मेंशन नहीं है कि g इज इक्वल टू 9.8 लो, तो हम मान लेते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 × 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
पांच से दस ऐसे कट गया तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको ढूंढना है क्या, टेंशन ढूंढना है। कैसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन उठाओ, ये वाला इक्वेशन उठाओ या ये वाला इक्वेशन उठाओ, सही है, कोई वाला इक्वेशन में ये a का जो वैल्यू आया, a का जो वैल्यू आया उसको इसमें पुट कर दो। तो कितना आएगा, कितना आएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां पे मिटाते हैं। ओके, सो आपका ये a का वैल्यू हम अगर पुट करेंगे ये वाला इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, बोलो कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज t माइनस m1 g बराबर m1 into a, a के जगह में ये पुट कर देंगे, a के जगह में ये पुट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 into g, ये आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट दैट इज इक्वल्स टू ये m1 g को उधर ले जाओ, m1 g को इधर ले जाओ, t बराबर m1 into m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये तो था, ये माइनस m1 g उधर चला गया तो हो गया प्लस m1 g, प्लस m1 g दैट इज इक्वल्स टू t बराबर, देखो m1 और m1 g g कमल ले आओ, तो m1 g कमल लाने से ये आ जाएगा m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू t बराबर m1 g इनटू LCM गया m1 प्लस m2, LCM गया m1 प्लस m2, ऊपर आ गया m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2, LCM तो लेना जानते हो, प्लस करना आप लोग जानते हो, दैट इज इक्वल्स टू, देखो कट गया क्या M1 और M1 कट गया, M2 प्लस M2 हो गया 2M2, दैट इज इक्वल्स टू T बराबर M1 G इनटू 2M2 बाय M1 प्लस M2, ये आ गया, ये आ गया, दैट इज हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। ओके, सो यहां से 2m1 m2 by m1 plus m2 into z, that is equals to t बराबर 2m1 m2 by m1 plus m2 into z। so acceleration बराबर बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास by दोनों मास का समेशन इंटू जी, और टेंशन बराबर 2 इंटू दोनों मास का प्रोडक्ट बाय समेशन ऑफ द मासेस इंटू जी। तो बताओ ये वाला 3 kg, ये वाला 2 kg, तो बताओ टेंशन कितना आएगा इस केस में, इस केस में एग्जांपल लेके टेंशन कितना आएगा, T इज इक्वल टू 2 इंटू कितना m1 2 kg, 2 इंटू 2 इंटू m2 3 by m1 plus m2 into g का वैल्यू मान लिया 10, 2 × 4 into 3 12 by 5 into 10, 5 से 10 गया 2, तो ये आ गया 24 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आया था, एक्सेलरेशन आया था कितना 1/5 × 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, यहां पे कैलकुलेशन किए थे इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, टेंशन आ गया 24 न्यूटन। और क्या पूछता है यहां से, अगर यहां पे देखेंगे पुली को कंसीडर करेंगे तो पुली फ्रेम के ऊपर जहां पे लटका हुआ है वहां पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुली फोर्स वो जो फ्रेम है वहां पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो देखो इधर लग रहा है टी, सिर्फ पुली को देखो, अभी देखो सिर्फ पुली को देखो, ये पुली है, पुली का इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी, तो ये कितना होगा, पुली तो कहीं नहीं जा रहा है, पुली तो फिक्स है, मतलब नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब इधर अगर टी टी टू टी लग रहा है तो इधर भी टू टी लगेगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग या नेट फोर्स एक्टिंग बाय द पुली
या पुली जो फोर्स लगा रहा है फ्रेम के ऊपर वो बराबर हो जाएगा 2t, दैट इज इक्वल्स टू 2t बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 4m1m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू z, ये हो जाएगा। ये क्या है, दैट इज रिएक्शन बाय पुली ऑन सपोर्ट या जहां पे लटकाया गया है। रिएक्शन पुली ऑन सपोर्ट इज इक्वल टू 2t बराबर 2t होगा तो 2t इज इक्वल टू t के जगह में अगर ये वाला फिल पुट कर देंगे तो 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। सही है, तो ये सिंपल दो बॉडी अगर कनेक्टेड है पुली के साथ तो ये वाला आएगा। इसको और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको एटूड मशीन भी कहते हैं, एटूड मशीन, रोप पुली या एटूड मशीन भी कहते हैं। दो बॉडी लगाया गया तो ये हुआ, ठीक है। अगर तीन बॉडी, चार बॉडी, पांच बॉडी लगाया जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, अगर कितना भी बॉडी लगाया जाए, कितना भी बॉडी लगाया जाए आप उसके लिए निकाल सकते हो, कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम से। ये सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन से हम कर रहे हैं। इसका और भी शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, आप लोग जानना चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप जानने के लिए आप लोग अपना कमेंट दो, नेक्स्ट क्लास में या किसी और क्लास में वो शॉर्टकट बताऊंगा। एंट्रेंस में अगर गिरेगा तो इतना लंबा चौड़ा थोड़े ना करेंगे, वहां पे तो फटाफट निकालना है, तो फटाफट कैसे निकालेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए, पुली रिलेटेड या कंस्ट्रेंट मोशन का कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन नीचे आप लोग कमेंट करो। ओके, अगर तीन, मान लो कि तीन लगा हुआ है, अगर तीन ब्लॉक लगा हुआ है पुली में, ऐसे करके तीन ब्लॉक लगाया गया है, इधर एक ब्लॉक है, इधर दो ब्लॉक है, इधर ऐसे दो ब्लॉक है, ठीक है। इसको मान लो आप क्या M1 मान लो, इसको M2 मान लो, इसको M3 मान लो। ऑब्वियस सी बात है, अभी देखो मैंने बताया था अगर सेम रोप दो बॉडी के ऊपर कनेक्टेड है तो टेंशन समान होगा, मतलब M1 और M2 के बीच में देखो एक रोप है, M1 और M2 के बीच में एक रोप है, और M2 और M3 के बीच में दूसरा रोप है, मतलब टेंशन का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर M1 से कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ टेंशन, कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, तो यहां पे हमने अगर टेंशन को T1 माना तो हमको कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ, यहां पे टेंशन को T2 मानना पड़ेगा। अगर यहां पे आपको कंडीशन क्या देगा, मान लो कि यहां पे M3 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M1 है, M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन M1 है, अगर इसका प्लस इसका अगर इसके इससे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ, मान लो तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, अगर M1 का बनाएंगे तो क्या आएगा, M1 का बनाएंगे तो M1 के ऊपर क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है M1G और ऊपर लग रहा है T1, जा रहा है ऊपर A, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, दैट इज T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ऐसे आ जाएगा इक्वेशन 1। ऐसे M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो क्या आएगा, देखो नीचे लग रहा है वेट इसका M2G लग रहा है, ऑब्वियसली इसका वेट M2G, और क्या लग रहा है, टेंशन लेयर लग रहा है T2, टेंशन लग रहा है T2, ऊपर लग रहा है क्या, टेंशन T1, ऊपर लग रहा है टेंशन T1, इधर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है, तो नेट नीचे कितना लग रहा है, दैट इज T2 प्लस M2G नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज M2 इंटू ए, इक्वेशन 2। M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे नहीं यहां पे बनाएंगे, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाते हैं, दैट इज M3 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, M3 का क्या क्या लग रहा है, M3 का नीचे M3G,
इधर लग रहा है M3G, ऊपर लग रहा है टेंशन T2, ऊपर लग रहा है टेंशन T2, तो और जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, तो क्या लिखेंगे? दैट इज ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, दैट इज M3G - T2 = M3A, इक्वेशन आ जाएगा कितना? 3, इक्वेशन 3। तो अगर 3 बॉडी भी लगा हुआ है तो आप क्या, सेम रोप में सेम टेंशन, ये एक रोप है, ये दूसरा वाला रोप है, यहां पे अगर टेंशन T1, यहां पे टेंशन T2, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को बॉडी को फ्री करके क्या क्या फोर्स लग रहा है, M1G T1, M2 में M2G T2, ऊपर लग रहा है T1, M3 में M3G, ऊपर लग रहा है T2, तीन इक्वेशन आ गया, तीनों को प्लस कर दो, देखना एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको T1 और T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन इन जनरल रोप पुली प्रॉब्लम। इसका और भी जो एडवांस वाला है, मतलब और भी ब्लॉक लगेंगे, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, फटाफट कैसे निकालेंगे, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे निकालेंगे, इसके और एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास तो नहीं, किसी और क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितना कमेंट्स आएगा बच्चों, अगर आप बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स अगर आग्रह करेंगे कि इसके बारे में बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी इसको बता सकता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आपका जो डाउट्स है या कुछ भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू।